स्टोरी के स्टार्टिंग में हम मिमी को देखते हैं, एक क्यूट सी छोटी सी बच्ची जिसके पास बहुत सारी सुपर पावर्स हैं, और वो अपनी सुपर पावर से पूरे माउंटेन को हिला देती है, जिससे हमारी फीमेल लीड शेंगशी गिरने वाली होती है। पर खुद को संभाल लिया था और वो समझ गई थी कि मिमी अपनी पावर्स का यूज कर रही है, तो चिल्ला पड़ती है। नेक्स्ट सीन में मिमी फिर से अपनी पावर्स का यूज करके फिशिंग करती है और मजे से बैठी खा रही थी, तभी जादू से शेंगशी वहां जाती है। मिमी, तुम मास्टर के पाले हुए ड्रैगन को खा रही हो? तो वो फेंक के भागने लगी थी और अपनी सुपर पावर से गायब हो जाती है। हमें पता चलता है कि शेंगशी में भी सुपर पावर्स हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ा और भारी पत्थर कैजुअली एक हाथ से उठा के लेके आ रही थी। और वो मिमी की सीनियर होती है। मिमी पूछती है, सीनियर तुम क्या कर रही हो? शेंगशी कहती, जब तुम छोटी थी मास्टर तुम्हें माउंटेन से नीचे से लेके आए थे, उन्हें पता है तुम बहुत टैलेंटेड हो और बहुत सारी सुपर पावर्स हैं तुम में, बट तुम्हारी किस्मत बहुत अनलकी है, तो ये साल तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, तो मास्टर इसी प्रॉब्लम को ठीक करने का सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। मास्टर कहते हैं बहुत बुरा होने वाला है, तभी वो खून की उल्टी करते हैं और फिर जादू शक्ति से उन दोनों को अंदर बुला लेते हैं। मिमी शेंगशी कहते हैं, मास्टर आप ठीक तो हो ना? मास्टर कहते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनो, मैं ओल्ड हो गया हूँ, मेरे बाद तुम्हें सेक्ट का हेड बनना है। फिलहाल तुम्हारा माउंटेन्स के नीचे जाना ज्यादा जरूरी है, ताकि तुम जाओ फैमिली में जा सको, और तुम्हें मिस्टर फैंग को जाओ फैमिली को इनहेरिट करने के लिए मनाना होगा। मिस्टर फैंग बहुत ही खास इंसान है, और वो पास्ट लाइफ में तुम्हारा डैड था। उसका लक बहुत पावरफुल है, और तुम्हारा बैड लक उसी से न्यूट्रलाइज हो गया, तभी तुम जिंदा रह पाओगी। पर अगर मिस्टर फैंग ने जाओ फैमिली को इनहेरिट नहीं किया, तो उसका कजन जाओ फैमिली को इनहेरिट कर लेगा, और वो बहुत बुरे काम करता है, बुराई फैलाएगा। मिमी हैरान और पूछती है, ये मिस्टर फैंग है कौन? तो मास्टर बताते हैं कि मिस्टर फैंग जाओ फैमिली का सबसे बड़ा बेटा है, बहुत ही रूथलेस और कोल्ड है, पर वो जाओ फैमिली को इनहेरिट नहीं करना चाहता। मेरा ये मैजिक फैन ले जाओ, इसका यूज करके तुम प्रॉब्लम्स का सामना कर सकती हो। मिमी बहुत छोटी है, तो शेंगशी तुम इसे माउंटेन के नीचे लेके जाओ। शेंगशी ओके बोलकर मिमी को वहां से गायब करके ले जाती है, पर उनकी बातें दूसरे सीनियर गाओ ने सुन ली थी और कहता है, वो छोटी सी बच्ची सेक्ट का लीडर बनने के लिए मुझसे फाइट करेगी, और मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। और हमें पता चलता है इस गुंडे में बहुत सारी सुपर पावर्स हैं। चेंगशी कहती है, मास्टर ने बोला था कि तुम बचपन से ऑर्फन हो, तो इसका मतलब तुम और मिस्टर फैंग में पिछली लाइफ में बाप बेटी का रिश्ता होगा, तो उसके ओवरलोड लक से तुम्हारा बैड लक ठीक हो जाएगा, और जब वो तुम्हें मिले तो उसे सीधा डैड बोल देना। मिस्टर फैंग एक आदमी को बुरी तरह से मार रहा था, तभी मिमी देख लेती है तो हैरान, मेरे डैडी तो सच में डेविल है, क्या मेरे डैडी माफिया है? उस आदमी को मारने से मिस्टर फैंग के हाथ खून में हो गए थे। साफ करता हुआ कहता है, अगर तुमने दोबारा मुझसे पंगा लिया तो इस बार वो नहीं तुम मरोगे। कजन कहता है, जाओ फैमिली इतनी रिच है, कभी यकीन नहीं आ रहा कि तुम सच में जाओ फैमिली को इनहेरिट नहीं करने वाले, कहीं तो सीक्रेटली जाओ फैमिली को हत्याने की कोशिश तो नहीं कर रहा? फैंग कहता है, मेरी नजरों में जाओ फैमिली कचरे से ज्यादा और कुछ नहीं, और अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है, जबकि कजन चिल्ला रहा था कि जाओ फैमिली मुझे मिलेगी। मिमी कहती है, शैंगशी मुझे नहीं पता था मेरे डैडी इतने डेविल और क्रूअल होंगे। पर शेंगशी कहती है, मिस्टर फैंग कितना हैंडसम है, और फिर खास कहती है, चिंता मत करो वो बच्चों को नहीं मारेगा। ऊपर से मिमी तुम कितने क्यूट हो। तो मिमी टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा, मुझे पता तुम कर सकती हो, और उसे भेज के खुद भाग जाती है। मिस्टर फैंग जैसे कार में बैठने वाला होता है, मिमी आकर उसका हाथ पकड़ लेती है, डैडी। वो कहता है, बच्ची तुम गलत इंसान को पकड़ रही हो, मैं तुम्हारा डैड नहीं हूँ। तभी गाड़ी उनकी तरफ आ रही होती है बहुत स्पीड से। मिमी ये देख मिस्टर फैंग को दूसरी तरफ धक्का मार देती है, पर गाड़ी ने उसे ठोक दिया था। वो भागकर जाकर देखता है वो बच्ची बेहोश, और जल्दी से उसे हॉस्पिटल लेके आता है। फिर डॉक्टर से पूछता है, वो बच्ची कैसी है? डॉक्टर कहता है, बहुत अजीब बात है, उस गाड़ी ने बुरी तरह से उस बच्ची को ठोका था, पर इससे तो कुछ भी नहीं हुआ। नर्सेस मिमी को लेके आती है, इनफैक्ट मिमी तो बस बेहोश होने की एक्टिंग कर रही थी, उसे झाक के देख रही होती है और सोचती है, वाओ डैडी का लक तो बहुत पावरफुल है, और एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है, डैडी मैं ठीक हूँ। वो हैरान और हाथ छुड़ा कहता है, मुझे डैडी मत बोलो, अब बच्ची तुम कहाँ रहती हो, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? वो कहती है, मेरा नाम मिमी है और मेरा घर तुम्हारा घर है, क्योंकि तुम मेरे डैडी हो। मिस्टर फैंग हैरान, ऐसा कुछ नहीं है। अपने असिस्टेंट से कहता है, पता करो इस बच्ची के पेरेंट्स कौन है, और जाने लगा तो वो भागकर जाकर फिर से उसका हाथ पकड़ लेती है, डैडी प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मैं तुम्हारी बहुत हेल्प कर सकती हूँ। कहता है, एक बच्ची मेरी क्या हेल्प करेगी? कहती है, सच्ची मैं बहुत काम की हूँ डैडी, मुझे तो ये भी पता है कि मेरे ग्रेट ग्रैंडपा ने मेरी ग्रैंडमॉम को घर से बाहर निकाल दिया था, जिसकी वजह से ग्रैंडमा बीमार होकर उनकी डेथ हो गई, इसलिए आप ग्रेट ग्रैंडपा से गुस्सा हो ना, इसलिए आप जाओ फैमिली को इनहेरिट नहीं करना चाहते,
मिस्टर फेंग हैरान, तुम्हें किसने बताया? बताओ मुझे, किसने तुम्हें मेरे पीछे भेजा है? वो कहती है, डैडी मेरे यकीन करो, तुम बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है। वो कहता है, कौन सी प्रॉब्लम? दुनिया खतरे में आने वाली है। वो कहता है, लगता है बच्ची कुछ ज्यादा कार्टून देखती है। जाने लगा था पर तभी अचानक से मिमी की आईज चमक पड़ती है। कहते रुको डैडी, ग्रेट ग्रैंडपा को कुछ हो गया है। कहता है, मेरी बात सुनो बच्ची, मेरी लाइफ में दखल अंदाजी करना बंद करो वरना मैं। पर तभी आंटी और कजन ग्रेट ग्रैंडपा को हॉस्पिटल लेके आ रहे थे तो वो हैरान और पूछता है, ग्रैंडपा को क्या हुआ? कहता, मुझे क्या पता, और उन्हें हॉस्पिटल एडमिट करवाते हैं। मिमी अपनी सुपर पावर से चेक करती है तो कहती है, ग्रेट ग्रैंडपा को पॉइजन दिया गया है। उन्हें कोई बहुत टाइम से धीरे धीरे पॉइजन दे रहा है जिसकी वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई, उनका टाइम खत्म होने वाला है। तो आंटी उसे धक्का मार देती है, क्या बकवास कर रही है, तो ग्रैंडपा को मरने को बोल रही है? मिमी की थप्पड़ मारने वाली थी पर मिस्टर फैंग हाथ पकड़ लेता है, मैं इतनी हिम्मत नहीं है। मिमी उसके पीछे छुप जाती है, जीभ दिखा रही थी। कहते, तू इसे क्यों बचा रहा है? अच्छा, तो ये तेरी इलेजिटिमेट बेटी होगी। मिस्टर फैंग कहता है, तुम पिटना चाहती हो क्या? मिमी अपनी सुपर पावर से आंटी की थप्पड़ मार देती है। मिमी अपनी सुपर पावर से आंटी के थप्पड़ पे थप्पड़ बजा रही थी। तुम हैरान, मॉम आपको क्या हुआ? पर मिमी हंस रही थी। आंटी कहती है, तुमने? वो कहता है, पर मैंने तो अभी तक हाथ भी नहीं लगाया। तभी डॉक्टर को बताता है कि आपके ग्रैंडपा को बहुत टाइम से पॉइजन दिया गया है, इसलिए मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया। मुझे नहीं लगता हम उन्हें बचा पाएंगे। तो फिर एकदम हैरान था कि मिमी की सारी बातें सच निकली, जबकि कजन ग्रैंडपा बीमार होने की बात सुन के अंदर अंदर बहुत खुश हो रहा था। मिमी कहती है, डैडी सैड मत हो, वो ठीक हो जाएंगे। कहता है, तुम बच्ची क्या कर सकती हो इसमें? जब डॉक्टरों ने हार मान ली, वो कहती है, डैडी मैं हूं ना यहाँ पे, मैं ठीक कर दूंगी। वो कहता है, क्या मुझे एक बच्ची की बात पे विश्वास करना चाहिए? पर तभी मिमी अपने सुपर पावर से आंटी और कजन की बातें सुन लेती है, जो बोल रहे थे कि जैसे वो बुढ़ा निबट जाएगा, कजन साफ फैमिली का वारिस बन जाएगा और वो मिस्टर फैंग कुछ नहीं कर पाएगा हमारा। मिमी सोचती है, वारिस तो मेरे डैडी बनेंगे, और जादू से अपना मैजिक फैन निकालती है। कजन जाकर कहती है, अंकल मैं तुम्हें हवा करने वाली हूँ। मैजिक फैन यूज करने लगी थी तो वो उसे धक्का मार देता है। मिस्टर फैंग मिमी को पकड़ लेता है, बट तभी अचानक से कजन के पेट में गुड़गुड़ होने लगी थी और जल्दी से वॉशरूम भागता है। और जबकि मिमी हंस रही होती है, फिर सोचती है, मैं ग्रेट ग्रैंडपा को मरने नहीं दे सकती वरना मेरे डैडी साफ फैमिली को वारिस नहीं बन पाएंगे, और फिर जोर जोर से रोने लग जाती है, ग्रेट ग्रैंडपा प्लीज उठ जाओ। आंटी कहती है, क्या बकवास कर रही है, और उसे धक्का मार के रह देती है। मिमी कहती, मैं बकवास नहीं कर रही, उन्हें बचा रही हूँ, और फिर से चिल्लाने लग जाती है। इनफैक्ट वो ऐसा करके अपनी सुपर पावर का यूज कर रही थी, यहाँ तक कि मैजिक फैन का भी यूज करती है। तो रोता था, मिस्टर फैन चुपकाने लगा था। अचानक से मिमी रोना बंद करके एकदम से खड़ी हो जाती है, काम हो गया। आंटी कहती है, तू बच्ची के खुद को फेरी समझती है, तेरे चिल्लाने से वो बुड्ढा जिंदा हो जाएगा। फिर डॉक्टर ग्रैंडपा को बाहर लेके आते हैं तो आंटी और कजन रोने का नाटक करने लग जाते हैं कि आप हमें छोड़ के नहीं जा सकते। मिमी कहती है, डैडी ग्रैंडपा ठीक है। कजन के रोने की आवाज सुन ग्रैंडपा कहते हैं, बहुत शोर मचा रखा है। तो वो सब हैरान। मिस्टर फैंग कहते हैं, ग्रैंडपा आप ठीक हो? ग्रैंडपा कहते हैं, अभी जाओ फैमिली का वारिस नहीं चुना गया तो मैं मर कैसे सकता हूँ। डॉक्टर कहते हैं, लगता है इस बच्ची की बातों में बहुत शक्ति है, ये बहुत तेज से रो रो के चिल्ला रही थी। कजन कहता है, मोम आपने तो बोला था कि बुढ़ा मर जाएगा। आंटी कहती है, कोई बात नहीं, इस बार नहीं मरा तो अगली बार मार देंगे। ग्रैंडपा कहते हैं, फैंग तू बाहर हैंग आउट करना बंद कर, तुझे कंपनी में आकर बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए ताकि तुझे भी इनहेरिट करने का चांस मिल सके। पर वो गुस्से में था और कहता है, जिन आपने मेरी मॉम को जाओ फैमिली से बाहर निकाला था और उनकी बीमारी से डेथ हो गई थी, तब से मेरा जाओ फैमिली से कोई रिलेशन नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं, भली हमारी जाओ फैमिली टॉप लेवल कॉन्सर्ट जितनी पावरफुल नहीं है पर फिर भी हमारी कंपनी काफी बड़ी है, तो तू वापस क्यों नहीं आ जाता? वो कहता है, ग्रैंडपा रेस्ट करो, जाने लगा था। तो सोचता है, जब मैं ऑलरेडी टॉप लेवल कॉन्सर्ट का हेड हूँ तो मुझे छोटी सी जाओ फैमिली की परवाह करने की जरूरत नहीं है। मिमी कहती है, ग्रेट ग्रैंडपा मैं डैडी को मनाऊंगी। वो कहते हैं, थैंक यू, और सोचती है, डैडी आपको जाओ फैमिली को जल्दी इनहेरिट करना पड़ेगा वरना मेरा काम तमाम हो जाएगा। ग्रैंडपा कहते हैं, तुम मिस्टर फैंग की बेटी हो? करने लगी थी। मिस्टर फैंग जल्दी से उसे खींच लेता है और फिर गोद में उठाकर लेके जाने लगता है। मिमी चिल्लाने लगती है, हाँ मैं मिस्टर फैंग की बेटी हूँ और मैं डैडी के साथ दोबारा आपसे मिलने आऊंगी, और खुश हो रही थी। ग्रैंडपा कहते हैं, कुछ दिनों बाद जाओ फैमिली की बहुत बड़ी पार्टी है जहाँ पे मैं जाओ फैमिली के वारिस का नाम अनाउंस करूंगा, तो मिस्टर फैंग तुम मिमी को साथ लेके जरूर आना। पर मिस्टर फैंग कजन का गला पकड़ लेता है, उस ड्राइवर को मुझे मारने के लिए तूने भेजा था ना, तो मैं तुझे लास्ट चांस देता हूँ वरना अगली बार मैं तुझे जान से मार दूंगा, और मिमी को ठाकर ले जाता है। कजन सोचता है, लगता है बुढ़ा अभी भी उस फैंग को चांस देने की सोच रहा है, जो जल्दी से जल्दी उसे मरवाना होगा वरना साओ फैमिली की प्रॉपर्टी उसे मिल जाएगी। जाने लगा था तभी वहां पर गांव आ जाता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। उसे धक्का मार जाने लगा था,
तो गांव कहता है, तू जाओ फैमिली का सेकंड बेटा है, ना बाप ना वाइफ ना चिल्ड्रन, तू और तेरी मॉम ने जाओ फैमिली में बहुत बुरे काम किए हैं। कजन हैरान उसका मुंह बंद करने लग जाता है, तूने मेरे बारे में इन्वेस्टिगेट किया? गांव से उठाकर कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैंने अपनी सुपर पावर से पता लगाया है। मैं खुद को जादू वाला समझ रहा है, पागल है क्या? छाओगा मुझसे दूर है, तू मुझे ब्लैकमेल नहीं कर सकता, और जाने लगा था। पर गांव अपनी पावर उस पर यूज करता है। कजन कहता है, मास्टर सच में तुम तो महान हो, प्लीज मेरी प्रॉपर्टी पाने में हेल्प करो। गांव कहता है, मैं तेरी इसलिए हेल्प कर रहा हूँ ताकि मेरी खुद की हेल्प हो सके और उस मिमी के बजाय मैं सेक्ट का लीडर बन सकूं। और सोचता है, वो फैंग मर जाएगा तो मिमी भी नहीं बच पाएगी। कजन कहता है, मिस्टर फैंग को मारना इतना आसान नहीं है, भले वो जाओ फैमिली से बाहर रहता है, पर मैं आज तक उसे मारने में कामयाब नहीं हो पाया। अब तक मैं बहुत सारे असैसिन भेज चुका हूँ, सबको उसने मार दिया, तो क्या इस बार कामयाब होऊंगा? गांव कहता है, ऑफ कोर्स, क्योंकि अब तक तो मुझसे नहीं मिला था। मिमी मजे से खा रही थी तो मिस्टर फैंग उसे देखता हुआ स्माइल करता है। तभी असिस्टेंट आकर उसे मिमी की इन्फॉर्मेशन ला के देता है। मिस्टर फैंग कहता है, ये ऑर्फन है, इसकी कोई फैमिली नहीं है। मिमी कहती है, डैडी तो मुझे भी जाओ फैमिली में ले चलो। वो कहते, कितनी बार बोला मैं तुम्हारा डैडी नहीं हूँ, अपना छोटू सा दिमाग ध्यान से खोल के सुन लो, मैं मिस्टर फैंग कभी भी जाओ फैमिली को इनहेरिट नहीं करने वाला। मिमी कहती है, पर मास्टर ने बोला अगर तुमने नहीं किया तो तुम्हारा कजन कर लेगा, जाओ फैमिली प्रॉब्लम में आ जाएगी, वो बहुत बुरे काम करेगा और दुनिया खतरे में आ जाएगी और मैं भी मर जाऊंगी। उसके कहता है, अब मैं बच्चों की बात विश्वास करूं, असिस्टेंट इसे ऑर्फनेज भेज दो या इसके लिए नया घर ढूंढ दो। पर मिमी उसे पीछे से अक्कर लेती है, डैडी प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं आपसे पक्का कुछ नहीं बोलूंगी। वो कहता, ओके मैं तुम्हें नहीं निकालूंगा, तो कहती है थैंक यू डैडी और उसे किस कर देती है और फिर एक लॉकेट निकालकर उसे पहना देती है। ये हम बाप बेटी को जोड़ के रखेगा, इसे डैडी मैं तुम्हें फील कर सकती हूँ। वो कहता, थैंक यू, अब खाना खाओ। जाने लगा था, वो कहती डैडी, और चेयर से गिरने वाली होती है तभी वो उसे पकड़ लेता है। बेबी तुम ठीक तो हो ना? वो कहती, डैडी मैं ठीक हूँ, आपको मेरी परवाह हो रही है? असिस्टेंट को फोन आता है तो कहता है, बहुत जरूरी काम है, तो मिस्टर फैंग मिमी को घर पे रह के रेस्ट करने को बोल के चला जाता है। वो सोचती है, डैड तो मानने को तैयार ही नहीं है, अब मैं क्या करूँ। वो बहुत सैड थी, तभी उसका लॉकेट चमकने लग जाता है। कहती है, अरे नहीं डैडी प्रॉब्लम में है, तो वो अपनी सुपर पावर का यूज करने लग जाती है और सीधा अपने डैडी की कंपनी में चली गई थी। इधर गांव जैसे मिस्टर फैंग के ऑफिस में जाने वाला होता है, उसे झटका लगता है, अच्छा तो लॉकेट की प्रोटेक्शन लगा रखी है और पावर से प्रोटेक्शन तोड़ने लगा था। पर तभी वहां पर मिमी आ जाती है, तुम मेरे डैडी को हाथ भी नहीं लगा सकते, सीनियर गांव तुम मेरे डैडी को क्यों हर्ट करना चाहते हो? गांव कहता है, क्योंकि वो जाओ फैमिली के सेकंड यंग मास्टर के रास्ते में आ रहा है और मुझे तुम्हें भी तो लीडर बनने से रोकना है। मिमी कहती, तुम इतने लालची बुरे हो, तभी तो मास्टर ने तुम्हें सेक्ट से निकाल दिया था, और तुम कजन का साथ देना बंद करो वरना दुनिया प्रॉब्लम में आ जाएगी। वो कहते, दुनिया प्रॉब्लम में आ गई, इसका मुझसे क्या लेना देना, मुझे तो बस सेक्ट का लीडर बनना है, और जब मैं बन गया तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को हेल में भेज दूंगा। मिमी कहती है, पर मेरे होते कोई मेरे डैड को हर्ट नहीं कर सकता। मैजिक फैन का यूज करती है, जबकि मिस्टर फैंग अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था। गांव कहता, भली मास्टर ने खुद तुम्हें ट्रेनिंग दी है, पर अभी तुम सिर्फ एक बच्ची हो, तो तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी पावर से मुझे रोक पाओगी? करने लगा था, पर वो फिर से मैजिक फैन का यूज करती है, तो कहता है, तुम्हें मास्टर ने मैजिक फैन दिया है, पर तुम इसे एक दिन में सिर्फ 4 बार यूज कर सकती हो, जो तुम ऑलरेडी कर चुकी हो, मुझे कैसे रोकोगी? अपनी पावर से उसे भड़का देता है, जिससे मिस्टर फैंग का लॉकेट चमकने लगा था, और उसे अचानक से दिल में पेन फील होता है, तो कहता है, ये मुझे हो क्या रहा है? पर तभी असिस्टेंट उसे कॉल कर बताता है कि मिमी घर से गायब है। वो कहता है, तो सारे बॉडीगार्ड्स को उसे ढूंढने में लगा दो, फिर चाहे टॉप लेवल कॉन्सर्ट के लोगों को भी उसे ढूंढने में लगा दो। इधर गांव मिमी को मारने लग जाता है, तू रोकेगी मुझे? मिमी खड़ी होकर कहती है, हाँ मैं रोकूंगी। गांव कहता है, इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, और अपने पावर से उस पर अटैक करने लगा था, पर मिमी गुस्से से चिल्ला पड़ती है, जिससे वो अपने असली रूप में आ गई थी, अपने नेजा वाली कॉस्ट्यूम में, अपने नेजा की पावर्स यूज करके उसे भुड़का देती है और कहती है, मेरे डैडी को हाथ लगाने से पहले मुझसे लड़ना होगा, और अपने पावर से उसे मारती है और फिर चाकू से मार के गिरा देती है। ऐसे उसे करने वाली थी, वो हाथ कर देता है, अभी तुम एक बच्ची हो, अभी तुम्हारी नेजा की पावर्स पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई, और उसे पीछे धक्का मार देता है और खड़ा होकर कहता है, तुमने कहा था तुम्हारे होते कोई तुम्हारे डैडी को हाथ नहीं लगा सकता, तो मैं तुम्हें ही चांस से मार देता हूँ। अपनी पावर्स का यूज करने लगा था, बट मिमी अपनी उंगली पे काट के अपने ब्लड से अपनी पावर्स को और बढ़ा लेती है। वो फाइट करने लगे थे, पर वो गिर जाती है। शेंगशी और फैंग को इस बात का एहसास हो जाता है और कहते हैं, मिमी खतरे में है, भागते हैं। मिमी कहती है, भले मैं तुम्हें हरा नहीं सकती, पर तुम्हें अपने डैडी को कुछ नहीं करने दूंगी। पर वो चाकू ले आता है, आज तेरा काम खत्म करके छोड़ूंगा। और जैसे उसके मारने वाला होता है, मिस्टर फैंग आकर उसे किक कर देता है। हिम्मत कैसे मेरी बेटी को हाथ लगाने की, मरना चाहता है क्या? और शेंगशी भी अपनी पावर से वहां पे आ गई थी। गांव मिस्टर फैंग के चारों तरफ की एनर्जी देख हैरान था।
ये तो सच में बहुत गुड लक वाला है। इसके सामने तो मेरी बुरी पावर्स काम नहीं करेंगी। मिस्टर फैंग मिमी को देखने लगा था, गाओ मिमी को जंगली बोल रहा था तो जाकर उसका कॉलर पकड़ लेता है। वो कोई जंगली नहीं है, मेरी बेटी है, और उसके घूसा मार देता है। तेरी इतनी हिम्मत मेरी बेटी को मारने की कोशिश की और घूसे पे घूसा मारे जा रहा था। मिमी कहती है, शेंगशी चिंता मत करो, डैडी को मेरी फिक्र है, वो मेरी बात मानेंगे। शेंगशी गाँव से कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, चोरी छुपे माउंटेन से नीचे आ गए। वो कहता है, मास्टर उस मिमी को लीडर बनाना चाहते हैं, इसके लिए मैं कभी राजी नहीं हूँगा। वो कहती है, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो जाकर मास्टर से बात करो, मिमी को परेशान क्यों कर रहे हो। अभी कभी माउंटेन्स पे वापस जाओ वरना मैं मास्टर को बता दूंगी। तो वो गायब हो जाता है। मिमी की हालत खराब हो रही थी। मिस्टर फैंग कहता, मिमी मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारा डैडी बनूंगा और तुम्हारे लिए जाओ फैमिली को भी इनहेरिट करूंगा, तुम जो कहोगी वो करूंगा, बस तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए। और उसे गोद में उठाकर लेके जाने लगा था, पर तभी शेंगशी उसे रोक देती है, इसे मुझे दो। कहता है, होती कौन हो तुम। वो कहती, बकवास बंद करो, मिमी को बचाने के लिए इसे अपने घर ले चलो। तो कहता, तुम पागल हो गई, इसे अस्पताल ले जाना होगा। तो कहती है, मैं इसकी सीनियर हूँ, अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो चुपचाप मेरी बात सुनो। उसे पकड़ के ले जाती है और फिर वो उसे घर ले जाके बेड पे लिटा देते हैं। शेंगशी अपने पावर्स का यूज कर रही थी उसपे। मिमी को फंसता देख वो उससे पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो उसके साथ। शेंगशी कहती है, इसे ट्रीटमेंट दे रही हूँ। स्टीफन कहता है, तुमने कुछ ज्यादा फैंटेसी ड्रामा देख लिया क्या, जो मैं तुम्हारी इस नौटंकी पे विश्वास करूंगा। और मिमी को टच करने लगा था तो कहती है, रुको। उसे रोकने लगी थी बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है, मैं लड़कियों के मारता नहीं हूँ। और वो हाथ छुड़ा कहती है, मिमी कोई मामूली बच्ची नहीं है, मैं और मिमी हम कल्टीवेशन सेक्ट के स्टूडेंट्स हैं जो बहुत टाइम से सुपर पावर सीख रहे हैं। वो कहता, वही कल्टीवेशन सेक्ट तो माउंटेन्स के ऊपर है। कहती है, तुम्हें कैसे पता, जैसा कि तुम जैसे हैंडसम से एक्सपेक्ट किया था, मेरे बारे में पता करा। वो कहता है, बकवास बंद करो, मैं तुम्हारा भरोसा कैसे करूं। तो वो उसे प्रूफ करने के लिए अपनी पावर से ब्लैंकेट मिमी के ऊपर ढक देती है बिना टच किए। मिस्टर फैंग काफी हैरान लग रहा था और फिर कहता है, तो मुझे इसके बारे में सब कुछ बताओ। तो शेंगशी से बताती है कि मिमी बहुत बड़ी प्रॉब्लम को रोकने के लिए माउंटेन से नीचे आई है, वरना मिमी बचेगी नहीं, और मेरे मास्टर ने इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए तुम्हें चूज किया है। वो पूछता है, मुझे क्यों। तो कहती है, क्योंकि तुमने अपनी पिछली लाइफ में बहुत अच्छे काम किए थे, इसलिए तुम्हारा गुड लक ओवर पावर है। वो कहता है, मैं तो सिर्फ मर्डर करता हूँ। तो शेंगशी अपनी सुपर पावर से उसे उसकी पास्ट लाइफ के बारे में याद कराने लगी थी। पिछली लाइफ में वो मिमी का डैड था और अपनी बेटी को बहुत लव करता है, उसे एक नेजा डॉल गिफ्ट में देता है। पर एक बार उनके घर में आग लग जाती है तो वो मिमी को बचाने के लिए कूद पड़ता है, बट मिमी को बचाते उसकी खुद की जान चली गई थी। कहता, रो मत मिमी, नेक्स्ट लाइफ में भी मैं ही तुम्हारा डैडी बनूंगा। जबकि वो रोए जा रही थी, उसकी नेजा डॉल के भी आंसू आ गए थे। शेंगशी कहती है, इसे बचाने के लिए तुमने अपनी जान दे दी, नेजा ने सब कुछ देख लिया था, इस वजह से मिमी में नेजा की सुपर पावर्स आ गई, और तुम दोनों को दोबारा चांस दिया है ताकि तुम इस लाइफ में अपनी बाप बेटी का रिश्ता निभा सको, इसलिए अब सिर्फ तुम ही उसका बैड लक मिटा सकते हो। वो कहता है, पर ये सब के लिए मुझे जाओ फैमिली को इनहेरिट क्यों करना पड़ेगा, मैं ऑलरेडी टॉप लेवल कॉन्सर्ट का हेड हूँ। शेंगशी कहती है, ये तुम्हारी पिछली लाइफ की वजह से है, तुम पिछली लाइफ में भी लोगों की जान बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देते थे, और कहीं ना कहीं आज भी तुम्हारे अंदर अच्छाई छुपी है, और जाओ फैमिली को बचाकर तुम कितने लोगों की हेल्प कर सकते हो। पर अगर तुम्हारी बजाय तुम्हारे कजन ने जाओ फैमिली इनहेरिट कर ली तो वो सिर्फ बुराई फैलाएगा, और शायद वो तुम्हें मरवा भी दे। मिस्टर फैंग कहता, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे मार सके, और मुझे तुम्हारी ये उठपटांग बातों पर विश्वास नहीं है। शेंगशी कहती, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, पर क्या मिमी पर भी नहीं है, क्या तुम सच में इसे मरते हुए देखना चाहते हो। जाओ फैमिली को इनहेरिट कर लो, कितने लोगों के साथ साथ तो मिमी को बचा पाओगे। पर वो जाओ फैमिली को इनहेरिट करने मना किया जा रहा था, तभी मिमी कहती है, डैडी। पर जैसी वो उसका इनोसेंट सा फेस देखता है, कहता है, पर मैं मिमी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे वो जाओ फैमिली को इनहेरिट करना क्यों ना हो। तो मिमी उसे हक लेती है, थैंक यू डैडी। तो वो ग्रैंडपा कॉल कर कहता है, मैं जाओ फैमिली की पार्टी में जरूर आऊंगा। और मिमी से कहता है, तुम्हारे ग्रेट ग्रैंडपा ने हमें पार्टी पे बुलाया है, चिंता मत करो, तुम्हारे डैडी तुम्हें जरूर लेके जाएंगे वहाँ, ताकि मेरी छोटी सी क्यूट बेटी को कुछ ना हो। वो थैंक यू डैडी बोल के उसे किस कर देती है। मिमी कहती है, ग्रेट ग्रैंडपा वारिस का नाम बताने वाले हैं, तो क्यों ना हम ग्रेट ग्रैंडपा को देने के लिए गिफ्ट लेने चले। वो कहता, सही कहा, मेरी जाओ फैमिली से ज्यादा कुछ बनती नहीं है, तो उन्हें खुश करने के लिए इतना करना पड़ेगा। और फिर मिमी और शेंगशी को अपने साथ ऑक्शन में लेके आता है। मिमी शेंगशी से पूछती है, तुम माउंटेन्स पे अभी तक वापस क्यों नहीं गई। वो कहती है, मुझे डर है कि वो गांव फिर से कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, तब तक मैं यहाँ रहकर तुम्हारा ध्यान रखूंगी। मिमी कहती, थैंक यू, तुम बहुत अच्छी हो। तभी वहां पर कसना जाता है, मिस्टर फैंग को देखकर कहता है,
तू यहाँ पर? तेरी औकात है इसके अंदर घुसने की? मिमी कहती बकवास बंद करो, हम यहाँ गिफ्ट लेने आए हैं। कजन कहता अच्छा, उस बुड्ढे को इम्प्रेस करने के लिए एंटीक गिफ्ट लेने आए हो? सपने देखते रहना, क्योंकि एंटीक खरीदने के लिए पैसे लगते हैं जो तुम्हारे पास होंगे नहीं। मिस्टर बैंक कहता अच्छा होगा तुम ना मुंह बंद कर दे, वरना मैं तेरी सांसें बंद कर दूंगा। तभी वहां पर होस्ट आकर कहता है एंटीक ऑक्शन में आप सबका वेलकम है। सबसे पहले बोली लगाई जाएगी आइस क्रिस्टल एंटीक की। इसका स्टार्टिंग प्राइस है 50 मिलियन। कजन कहता है 60 मिलियन, बाकी लोग 70 मिलियन कहते हैं, तो कहता है 80 मिलियन। पर मिमी एकदम हैरान थी और अपनी सुपर पावर का यूज करती है, उस वेस को देखने लगी थी। अरे बाप रे, कजन कहता तू अपने साथ किन गरीबों को ऑक्शन में लाया है जो कुछ अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मिस्टर फैंक कहता है तुझे किसने काम में अफोर्ड नहीं कर सकता। और जैसे मिस्टर फैंक बोल लगाने लगा था मिमी से रोक देती है, नहीं डैडी, यहाँ पे सबसे ज्यादा कीमती वो वेस है। मिस्टर फैंक कहते बेबी वो सिर्फ शो ऑफ के लिए रखा है। तो शंशु से बताती है कि मिमी के पास मार्शल आर्ट की ग्रेट सेंस है, वो अपनी आइस की पावर से कीमती चीजों को पहचान लेती है। मिस्टर फैंक कहता है तो मुझे वो वाला वेस्ट चाहिए। कहता है तेरे पास पैसे नहीं है इसलिए तो बच्ची की बात मानकर उस सजावट वाले वेस्ट को उठाना चाहता है, अपना दिमाग के घर पे रखाया। तो बाकी सब लोग ही मिस्टर फैंक को पुअर बोल के उसे मजाक उड़ाने लगे थे और कजन को रिच बोल रहे थे कि ऐसे सस्ते वेस्ट तो मार्केट में बहुत मिलते हैं। होस्ट कहता ओके बाद में मैं तुम्हें वो वेस्ट दे दूंगा, इस बेकार से वेस्ट में है ही क्या। और फिर बताता है कजन ने आइस क्रिस्टल 80 मिलियन में जीत लिया। तो कजन मिस्टर फैंक को चढ़ाने लगा था। मिमी कहती डैडी चिंता मत करो, वेस्ट उस आइस क्रिस्टल से कई गुना ज्यादा प्रीशियस है। तो मिस्टर फैंक कहता मुझे वो वेस्ट लेना, कितने प्राइस में दोगे? होस्ट कहता है ये लो बेकार सा वेस्ट। तो मिमी ले लेती उस वेस्ट को। होस्ट कहते चल पुअर, अब अपनी वाइफ और बच्ची को लेके निकल यहाँ से, ये अमीरों का ऑक्शन है। मिमी कहती अभी देखना डैडी इस वेस्ट में कितनी कीमती चीज निकलेगी, और नीचे फेंक के तोड़ देती है। और तभी एक ग्रीन कलर की चीज उठाती है, देखा निकला ना ट्रेजर। तो होस्ट एकदम हैरान, ये तो ट्रेजर रिंग है जो 1000 सालों से मिसिंग थी, सोचा नहीं था इस खराब से वेस्ट में मिलेगी। बच्ची तुम तो सच में बहुत महान हो, ये तो उस आइस क्रिस्टल से 1000 गुना ज्यादा एक्सपेंसिव होगी। सब लोग हैरान थे और मिस्टर फैंक स्माइल करता है। मिमी कहती डैडी ये आपके लिए। कजन उसे छीने वाला था, मिस्टर फैंक कहता है वेस्ट मेरा था तो ये भी हमारी हुई। होस्ट कहता है यहाँ की चीजें तुम्हारी कैसे हो गई, मैंने तो तुम्हें ऐसे ही वेस्ट दे दिया था, मैं तो मजाक कर रहा था, पता भी है ये रिंग कम से कम 800 मिलियन की होगी। तो कजन हंसने लगता है 800 मिलियन, इसके पास तो 800 भी नहीं होंगे। और अपनी मॉम से फोन पर बात करने लगता है कि मैं उस बुड्ढे को इम्प्रेस करने के लिए आइस क्रिस्टल लेके आ रहा हूँ, फिर मैं ही वारिस बनूंगा। मिस्टर फैंक स्माइल करता हुआ कहता है इसका एग्जैक्ट प्राइस पता। होस्ट कहता है पूछ तो ऐसा रहा है जैसे तेरे पास इतने होंगे। तो मिस्टर फैंक अपना ब्लैक कार्ड निकालता है, तुझे पता है ये क्या है? होस्ट एकदम हैरान, ये तो टॉप लेवल कॉन्सर्ट का ब्लैक कार्ड है, सिर्फ हेड्स के पास होता है, यानी तुम। मिस्टर फैंक कहता अपनी बकवास बंद कर और यहाँ के जितने भी ट्रेजर्स हैं सब मेरे लिए पैक कर दे। होस्ट कहता है ओके बॉस अभी करता हूँ, और सोचता है सोचा नहीं था जिसे मैं पूरा समझ रहा था वो टॉप लेवल कॉन्सर्ट का हेड निकलेगा, इससे पंगा लिया है वो पक्का मरेगा। और फिर बिल पे करके उसे कार्ड वापस करता है। बॉस आपने जो जो कहा था मैंने सब पैक कर दिया और मुझे पहले के लिए माफ कर दीजिए। मम्मी बहुत खुश होती है, वाओ ग्रेट ग्रैंडपा को इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट देंगे तो वो पक्का मेरे डैडी को वारिस बना देंगे। मिस्टर फैंक कहता है इस रिंग के बिना भी ग्रैंडपा मुझे वारिस बना देते हैं। शंशी हंस रही थी तो उसे देखने लग जाता है। वो जाने लगे तभी कजन आता है, कुछ खरीद नहीं पाए ना? मिमी कहती है हमें तो सब खरीद लिया, और चले जाते हैं। तो कहता है कभी 800 मिलियन देखे भी है? और होस्ट जाकर कहता है ये ले कार्ड स्वाइप कर और मुझे आइस क्रिस्टल पैक कर दे। पर वो कहता है यहाँ की सारी चीजें मिस्टर फैंग ने ऑलरेडी बाय कर ली और तुम निकलो यहाँ से। कजन बहुत गुस्से में था, तभी गाँव आ जाता है। इस वक्त सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट नहीं है, वो बुढ़ा पार्टी में वारिस अनाउंस करेगा ना, तो तू ही वारिस बनेगा और उन सबको मैं रोक लूंगा, मैं उनको पार्टी में नहीं जाने दूंगा। इधर हम जाओ फैमिली की पार्टी में देखते हैं, लोग बातें कर रहे थे कि जाओ फैमिली की प्रॉपर्टी किसे मिलेगी, फर्स्ट यंग मास्टर को या सेकंड यंग मास्टर को? ऑफ कोर्स सेकंड यंग मास्टर को, फर्स्ट यंग मास्टर का तो जाओ फैमिली की तरफ ध्यान ही नहीं है, वो तो मारपीट में लगा रहता है। ग्रैंडपा कहते मिस्टर फैंग बहुत कैपेबल है, वो वारिस बनने के लिए सबसे अच्छा कैंडिडेट है। कजन गुस्से में होता है कि ये बुढ़ा अभी भी उसी का साथ दे रहा है। इधर इनकी कार को गांव अपनी पावर से रोक देता है। तुम लोग पार्टी में नहीं जाओगे, तुम मरोगे। शंशी कहती है नहीं पार्टी के लिए लेट नहीं हो सकते। मिमी कहती है आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मिस्टर फैंग कहता है
नहीं मैं सबक सिखाऊंगा। पर शैंशु उसका हाथ पकड़ कहती है, नहीं इस वक्त तुम्हारा अजाव फैमिली की पार्टी में जाना ज्यादा जरूरी है, वरना मिमी की जान खतरे में भी हो सकती है। तुम जल्दी जाकर प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन करना और इसे मैं संभालती हूँ। कार से बाहर निकलते ही जादू से अपने असली रूप में आ गई थी और अपनी पावर से गांव को रोकने लग जाती है ताकि वो दोनों कार से निकल जाए, पर गांव उसकी शील तोड़ देता है। तुम अब भी उसी का साथ दे रही हो? हेड बनने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, फिर चाहे उसके लिए तुम्हें मारना ही क्यों ना पड़े, और उस पर अटैक कर देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, मुझे पता है आप जाओ फैमिली के वारिस से मिलना चाहते हैं, पर अभी थोड़ा वेट कर लो, फर्स्ट यंग मास्टर अभी तक आया नहीं है। आंटी कहती, क्यों वेट करना, मुझे तो लगता है वो आएगा ही नहीं। कजन कहता, सही कहा, वो जाओ फैमिली की तरफ ध्यान ही कहां देता है। ग्रैंडपा कहते हैं, उसने मुझे कॉल करके बताया था कि वो जरूर आएगा। आंटी कहती है, आप क्या उसे जाओ फैमिली देने वाले हो? वो हमारी जाओ फैमिली को बर्बाद कर देगा। सब लोग कहने लगते हैं, हाँ उसे जाओ फैमिली कैसे दे सकते हैं। कजन सोचता है, जितना मर्जी वेट कर ले, बुढ़े वो नहीं आने वाला। ये दोनों जैसे भागकर अंदर आते हैं, बॉडीगार्ड्स उन्हें रोकने लग गए थे। मिमी कहती, तुम लोगों की इतनी हिम्मत, मुझे रोकोगे? और अपनी पावर से उन दोनों को भुड़का देती है, पर बहुत सारे और बॉडीगार्ड्स आ जाते हैं। मिमी कहती है, डैडी हमें जल्दी करना होगा, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। वो कहता है, मैं तुम्हारा डैडी हूँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, प्रोटेक्ट करूंगा तुम्हें। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं कि हम रोक सके। और फिर उसके बॉडीगार्ड्स आकर दूसरे वालों से फाइट करने लग जाते हैं, जबकि वो मिमी को गोद में उठाकर अंदर भागता है। कजन कहता, बहुत टाइम हो गया, वो अभी तक नहीं आया। तो आप उसे तो वारिस कभी नहीं बना सकते, जो अभी लेट है वो पता नहीं क्या क्या लेट करेगा। तो सब लोग चिल्लाने लगे थे, हाँ हाँ कजन को ही वारिस बनाओ। पर कहते, वो सच में लेट हो गया, उसने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। और कजन का नाम अनाउंस करने वाले थे तभी वहां पर मिस्टर फेंगा जाता है। मिमी भी उसके साथ आई थी और वो बहुत सारे गिफ्ट लेके आया होता है। ग्रैंडपा कहते, अच्छा हो तुम आ गए। मिमी कहती, हेलो ग्रेट ग्रैंडपा। तो कहते हैं, कितनी समझदार बच्ची है। कजन कहता है, वो गाऊ इसे रोक नहीं पाया और खुद को मास्टर समझता है। मिस्टर फेंग कहता है, ग्रैंडपा ये सब गिफ्ट्स आपके लिए हैं। ग्रैंडपा एकदम हैरान, इतने एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। और फिर अनाउंस करते हैं कि जाओ फैमिली का वारिस सिर्फ मिस्टर फेंग बनेगा। आंटी और कजन कहते हैं, हम इसके खिलाफ हैं। और बाकी सब लोग भी चिल्लाने लगे थे, हाँ हम इसके खिलाफ हैं। मिमी कहती, डैडी जल्दी करो, टाइम कंप्लीट होने वाला है। मिस्टर फेंग कहता है, मैं टॉप लेवल कॉन्सर्ट का हेड हूँ और मैं जाओ फैमिली को इनहेरिट कर रहा हूँ। मैं भी देखता हूँ किसकी इतनी हिम्मत मना करने की। कजन कहता है, ये झूठ बोल रहा है। आंटी कहती है, सबको पता है, तू कंपनी कैसे चला लेगा, तुझे मारने पीटने के अलावा और कोई काम नहीं आता, तू तो बस एक ट्रैश है। मिमी कहती है, मेरे डैडी ट्रैश नहीं है, वो टॉप लेवल के हेड है। आंटी मिमी को धक्का मारने लगी थी तो मिस्टर फेंग उसे पकड़ देता है और आंटी को भुड़का देता है। और ग्रैंडपा कहता है, मुझे बहुत जल्दी है, तू जल्दी से प्रॉपर्टी पेपर्स दो। रुक, तूने तो कहा था तुझे साफ फैमिली में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और तूने ग्रैंडपा को क्या कुट्टी खोल के पिलाई है कि ग्रैंडपा तेरे साथ दे रहे हैं। ग्रैंडपा कहते हैं, मैं बुढ़ा हूँ बेवकूफ नहीं, मुझे तुम्हारा बिहेव अच्छे से पता है, ये भी कि जाओ फैमिली के लिए कौन सुटेबल है। कजन जैसे हाथ लगाने वाला था, मिस्टर फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है, ये पेपर्स मेरे हैं। मिमी देखती है बहुत ही कम टाइम बचा है तो वो उसे धक्का मार के साइन करने लग जाता है। जैसे कजन और आंटी उस पर अटैक करने वाले होते हैं, वो पावर से उन्हें भड़का देती है, तो मिस्टर फेंग अपने ब्लड से साइन कर देता है। तो मिमी उसे हकड़ लेती है। कजन कहता है, ये कैसे हो सकता है, वारिस मुझे बनना था। और ग्रैंडपा पढ़ने लगे जाता है, बुढ़े तूने मेरी बजाय इसे चूज क्यों किया, बट मिस्टर फेंग उसे किक करके भड़का देता है। कजन और बाकी लोग चिल्लाने लगते हैं कि हम इसे कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मिस्टर फेंग कहता है, तुम लोग इस कजन का साथ दे रहे हो, पहले पूरा सच तो जान लो। ये रहा प्रूफ, आंटी और इस कजन ने मिलकर जाओ फैमिली के फाइनेंशियल्स में बहुत हेरा फेरी की है। और ये रहे टॉप लेवल कॉन्सर्ट के पेपर्स। लगा, तुम्हारे पास टॉप लेवल कॉन्सर्ट के पेपर्स कहां से आए? असिस्टेंट कहता है, क्योंकि मिस्टर फेंग टॉप लेवल कॉन्सर्ट के हेड है और उन्होंने सबसे ज्यादा जाओ फैमिली में इन्वेस्ट कर रखा है। आंटी विश्वास नहीं करती, पर जैसे पेपर देखते हैं तो हैरान और बाकी सब लोगों के होश उड़ जाते हैं। इसका मतलब जाओ फैमिली के साथ सच में टॉप लेवल कॉन्सर्ट की पावर है। मिस्टर फेंग को बॉस बोल के उसे ग्रीट करने लगे थे। मिमी सोचती है, मेरे डैडी कितने औसम है। ग्रैंडपा कजन और आंटी कहते हैं, तुम लोगों ने बहुत बुरे काम किए हैं और आंटी ने तो मुझे जहर देके मारने की भी कोशिश की, तुम लोग तो जाओ फैमिली के मेंबर बनने के भी लायक नहीं हो, तो निकल जाओ यहाँ से। आंटी कहती है, हमसे गलती होगी, वो माफ कर दो। पर बॉडीगार्ड्स उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। मिस्टर फेंग कहता है, मिमी अब तो तुम्हें कुछ नहीं होगा ना। वो कहती है, थैंक यू डैडी, पर बेहोश हो जाती है। मिस्टर फेंग कहता है, उठो तुम्हें क्या हुआ, और उसे घर ले आता है। असिस्टेंट आके बताता है कि मैंने शैंक्षी को बहुत ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली। वो कहता है, जल्दी जाकर उसे ढूंढो, सिर्फ शैंक्षी से बचा सकती है। इतने में जादू से शैंक्षी वहां जाती है। वो कहता है, क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो हो ना? वो कहती है, हाँ। और अपनी पावर से मिमी को उठाने की कोशिश करने लगी थी। मिमी को होश आता है, उस गांव ने तुम्हारी हालत की है। वो कहती है, मैं कुछ टाइम में ठीक हो जाऊंगी, मैं तुम्हें माउंटेन्स पे अभी वापस नहीं लेके जा सकती, तो तुम्हें जल्दी माउंटेन्स पे वापस जाना होगा। मिस्टर फेंग कहता है, क्या मतलब तुम्हारा,
तो शंक्षी बताती है कि मास्टर ने इसे माउंटेन से नीचे सिर्फ इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भेजा था, पर अब तुम जाओ फैमिली के वारिस बन गए हो तो इसे वापस जाना होगा। मिमी कहती है पर मुझे तो अपने डैडी के साथ रहना है। शंक्षी कहती है मास्टर ने बोला है तुम्हें जाना ही होगा। हम माउंटेन्स पे रहने वाले स्टूडेंट्स की बॉडी स्पेशल टाइप की है, हम 10 दिन से ज्यादा माउंटेन से नीचे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे वरना ऑर्गन फेलियर से हमारी डेथ हो जाएगी। मिमी कहती है ये कैसे हो सकता है, क्या कोई और रास्ता नहीं है, मुझे अपने डैडी के साथ और ज्यादा दिन रहना है। शंक्षी कहती नहीं माउंटेन्स पे नॉर्मल इंसान नहीं जा सकते, फिर भी अगर तुम्हारे डैड किसी भी तरीके से वहां पर पहुंच भी गए तो वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हें बाप बेटी को अलग होना होगा। मिमी कहती नहीं मैं अपने डैडी को नहीं छोड़ के जाना चाहती, इतनी मुश्किल से तो मुझे डैडी मिले हैं, वो कितने अच्छे हैं, मुझे नहीं जाना। स्टीफन रो रहा था पर कहता है क्यों नहीं जाना तुम्हें, तुम्हें जाना होगा। मिमी एकदम हैरान और रोने लग जाती है तो फेस दूसरी तरफ का कहता है ये जगह वैसे भी तुम्हारे लिए नहीं है तो अपने माउंटेन्स पे वापस चली जाओ। मिमी कहती है डैडी आप अचानक से ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या आप मुझे लाइक नहीं करते, आप जानबूझ के झूठ बोल रहे हो। तो मिस्टर फैंग गुस्से से कहता है मैंने बोला ना तुम मेरी बेटी नहीं हो और ये तुम्हारा घर नहीं है, चलो निकलो यहाँ से। वो कहती है डैडी प्लीज ऐसा मत करो और वो गुस्से से बाहर निकाल देता है। और शैंक्शन कहता है तुम भी बाहर निकलो, उसे बाहर निकाल देता है, दोनों को बाहर निकाल के गेट बंद कर लिया था अंदर से। मिमी बाहर रो रही थी पर मिस्टर फैंग भी बहुत सैड होता है, सॉरी बेबी मुझे जानबूझ के ऐसा करना पड़ रहा है, मैं तुम्हें सही सलामत देखना चाहता हूँ। पहले से मिमी की रोने की आवाज आ रही थी पर अचानक से मिमी की आवाज आती है शैंक्षी को क्या हो गया, जल्दी से गेट खोल के बाहर आता है। शैंक्षी बेहोश पड़ी होती है और वो उसे उठाने की कोशिश कर रही थी और वो उसे टच करने लगा था। मिमी कहती है डैडी शैंक्षी अभी इस हालत में मुझे माउंटेन्स वापस नहीं लेके जा सकती, तो तब तक प्लीज मुझे अपने घर पे रुकने दो ना। तो वो शैंक्षी को उठा के बेड पे लिटा देता है और फिर उसे कहता है पर तुम्हें माउंटेन्स पे वापस जाकर सेक्ट का हेड भी बनना है। मिमी कहती है मुझे उसकी कोई फिक्र नहीं है, मुझे तो बस शैंक्षी और अपने डैडी की फिक्र है। तो वो हंस पड़ता है तुम 10 दिन यहाँ रुक सकती हो जिस हिसाब से तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं, बट वो उसका मुंह बंद कर देती है डैडी ये 3 दिन मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। और फिर कहती है डैडी अगर वो प्रॉब्लम ना आती तो मैं आपसे नहीं मिलती, वैसे अच्छा हुआ प्रॉब्लम हुई है। कहता है डैडी भी तुमसे मिलकर बहुत खुश है और उसे किस कर देता है। और फिर शैंक्षी को देख कहता है क्या कोई रास्ता है इसे ठीक करने का। मिमी कहती डैडी आप में बहुत सारी गुड लक की पावर्स है, तो अगर आप शैंक्षी के क्लोज हो गए तो वो पक्का ठीक हो जाएगी। उसे पकड़ के शैंक्षी के पास बैठा देती है, फिर उसका हाथ पकड़ के शैंक्षी के हाथों पर रखवा देती है। मिस्टर फैंग कहता है क्या ये सच में काम करेगा। मिमी कहती तो ऐसे करके तो बहुत टाइम लगेगा, कहीं शैंक्षी को और प्रॉब्लम न बढ़ जाए। वो कहता है तो मैं क्या करूं। कहती एक आइडिया और बेड पे चढ़ के कहती है डैडी अपना हाथ दो। वो हाथ पकड़ा के कहता है क्या कर रही हो, तो कहती है इसे टाइटली हक कर लो। मिस्टर फैंग कहता है नहीं नहीं एक लड़का लड़की ऐसे अचानक हक नहीं कर सकते। मिमी कहती है पर इसकी जान बचाने के लिए तो यही करना पड़ेगा, और जबरदस्ती मिस्टर फैंग को पकड़ के शैंक्षी को हक करा देती है। डैडी देखा ये काम कर रहा है। मिस्टर फैंग शैंक्षी के क्लोज होकर बहुत नर्वस हो रहा था बट फिर उसे हक करता करते सो गया था। मिमी उन्हें हक कर लेती और कहती है शैंक्षी प्लीज उठ जाओ, वो भी सो गई थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर फैंग शैंक्षी को बहुत अच्छे से हक करके सो रहा होता है, इतने में शैंक्षी हाई स्कूल जाती है, जैसे देखता उठ गई एकदम से नर्वस होकर दूर हो जाता है। सॉरी मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो मिमी ने बोला था कि ऐसे तो मैं टच करूंगा तो तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। वो कहते अच्छा तो ये बात थी, वैसे मिमी कहाँ है। तभी मिमी आती है मैं पॉलिश बना के लाई हूँ, डैडी आप शैंक्षी को खिलाओ अपने हाथों से। हैरान शैंक्षी कहती है तुमने पॉलिश बनाना कब से सीख लिया। मिमी कहती है मैंने थोड़ी ना बनाया है, मेरे पास मास्टर का मैजिक फैन है ना उसी से बनाया है, ये बहुत गर्म गर्म और टेस्टी है, डैडी जल्दी से इसे पिला दो। मिस्टर फैंग को पकड़ा देती है। शैंक्षी कहती है मैं खुद पी लूंगी, लेने लगी थी। मिमी कहती है बिल्कुल भी नहीं, मेरे डैडी बहुत अच्छे इंसान है, वो अपने हाथों से तुम्हें पिलाएंगे, तुम्हें पता नहीं है पेशेंट को रेस्ट करना चाहिए। शैंक्षी कहती है क्या बोल रही हो। मिस्टर फैंग उसके पास बैठ जाता है और कहता है अब बोलना बंद करो चुपचाप पियो, और खिलाने के लिए चम्मच आगे करता है जल्दी मुंह खोलो, और उसे अपने हाथों से खिलाने लगा था। तो कहता है तुम जल्दी जल्दी मिमी को माउंटेन्स पे ले जाओ। मिमी कहती है मैं बिल्कुल वापस नहीं जाऊंगी। मिस्टर फैंग कहता है ये तुम्हारी भलाई के लिए है, तुम अच्छी बच्ची हो ना। और फिर से शैंक्षी को अपने हाथों से पॉलिश खिलाने लग गया था, तो मिमी उन दोनों को पैर से देखने लगती है। शैंक्षी स्माइल कर रही थी। मिमी कहती है डैडी और शैंक्षी तुम दोनों साथ में कितने अच्छे जचते हो। तो शैंक्षी को फंदा लग जाता है और हंसने लगी थी। मिस्टर फैंग भी शर्माने लगा था। मिमी कहती है एक आइडिया है, मैं चाहती हूँ हम तीनों साथ में रहें। वो पूछते हैं क्या आइडिया है, तो कहती है आप वेट करो मैं अभी आती हूँ, और भाग जाती है। जबकि शैंक्षी से बोल रही थी कि ज्यादा दूर खेलने मत जाना और ज्यादा अपनी पावर्स का यूज मत करना, तुम्हारी बॉडी कमजोर हो जाएगी, बट मिमी भाग जाती है और फिर जाकर एक मंत्र पढ़ने लगी थी। इनफैक्ट वो अपनी पावर से एक दूसरे सीनियर को वहां पे बुला लेती है, और उसे उल्टी करते देख सीनियर कहती है तुम ठीक तो हो ना। मिमी कहती है मैं ठीक हूँ। सीनियर कहती है
मैंने सुना तुमने प्रॉब्लम ठीक कर ली, तो तुम्हें तो अब तक माउंटेन्स पे चले जाना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो? मिमी कहती है, सीनियर तुम मेरी काम में हेल्प करोगी, मैं चाहती हूँ तुम मेरे डैडी और शैंक्षी को एक साथ कर दो कि वो कपल बन जाए। सीनियर कहती है, तुम ये क्या बोल रही हो, तुम्हारा डैडी एक मामूली इंसान है जबकि शैंक्षी कल्टीवेटर है, वो सुपर पावर्स है, वो दोनों कपल कैसे बन सकते हैं? मिमी कहती, प्लीज सीनियर मेरी हेल्प करो ना, और उसे हक करने के बहाने उसका रेड थ्रेड छुड़ा लेती है। सीनियर सिस्टर, मैं हमेशा से एक फैमिली चाहती थी, अगर शैंक्षी ने डैडी से शादी कर ली तो मुझे मम्मी डैडी दोनों मिल जाएंगे। सीनियर कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा, तुम्हें जल्दी से माउंटेन्स पे वापस आ जाना चाहिए, यहाँ पे तुम ज्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर पाओगी, मुझे तो यहाँ अभी से अजीब फील हो रहा है, जल्दी यहाँ से जाना होगा, और गायब हो जाती है। मम्मी कहती है, मेरा काम तो हो गया, मुझे तो बस ये लव थ्रेड चाहिए था, अब वो दोनों मेरे मम्मी डैडी बन जाएंगे, तीनों फैमिली बन के रहेंगे। शैंक्षी कहती, तुम जानबूझ के मम्मी पे गुस्सा कर रहे थे कि वो माउंटेन पे चली जाए क्योंकि तुम्हें डर है कि उसे कुछ होना चाहे। वो कहता, उसके साथ तुम्हें भी जाना होगा, और उसे खाना देता है, और तुम वहां जाकर अपनी फैमिली के साथ खुश रहना। वो कहती है, मिमी की तरह मैं भी ऑर्फन हूँ, हमारा कोई भी नहीं है। तो वो उसे देखने लगा था, पर तभी नीचे झाके देखता है, मिमी उसके पैर पे एक रेड थ्रेड बांध रही है, तुम क्या कर रही हो? और शैंक्षी देखती है, उसने उसके पैर पे बांध दिया, तो कहती, मिमी ये सब क्या है? मिमी कहती, गुस्सा मत करो, मैं चाहती हूँ हम दोनों यहाँ पे कुछ और दिन रहे, तुम भी तो माउंटेन्स पे खुश नहीं थी। शैंक्षी कहती, मैं इस बात पे गुस्सा नहीं हूँ, इस बात पे हूँ कि तुमने इस रेड थ्रेड को पाने के लिए अपनी सुपर पावर का यूज किया होगा। मिमी कहती है, अगर डैडी के साथ और दिन रहने का मौका मिले तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मिस्टर फैंग कहता है, अब तुम दोनों जब यहाँ पर हो तो हम एंजॉय कर लेते हैं अपने दिन। तो मिमी खुश होकर नाच पड़ती है और सोचता है, मुझे ऐसे भी करके इन दोनों को वापस माउंटेन्स पे भेजना होगा। फिर मिमी नेजा का कार्टून देख रही थी और नेजा की तरह एक्टिंग करने लगती है। वो तीनों साथ में बहुत खुश होते हैं, एंजॉय कर रहे थे, अभी वहां पर गांव टपक पड़ता है। क्या लवली फैमिली है, इन्हें तोड़ने में मजा आएगा। तो वो दोनों मम्मी डैडी की तरह मिमी को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं। गांव कहता है, तुम लोगों की वजह से मेरी हालत हो गई है, अब तुम बचोगे नहीं। मिस्टर फैंग कहता है, खबरदार, अगर मेरी मिमी और मेरी शैंक्षी को हाथ लगाया। उन्हें अटैक करने लग गया था तो उसे रोकने लग जाता है, और शैंक्षी भी अपनी पावर्स का यूज करने लग गई थी। उन दोनों को करता देख मिमी कहती है, मम्मी डैडी मैं भी हेल्प करूंगी, और अपनी सुपर पावर से अटैक करती है। उन दोनों की सुपर पावर साथ में मिल गई थी इसलिए वो उसे भड़का देते हैं, जिसकी वजह से गांव हमेशा के लिए गायब हो गया था। शैंक्षी कहती है, हमने उसे हरा दिया। खुश से नाच पड़ती है तो वो उसे गोद में उठा लेता है, और वो तीनों बहुत खुश होते हैं। तभी अचानक से लाइट खराब होने लग गई थी। मास्टर की सोल वहाँ पे आ जाती है, तुम लोगों ने रूल्स तोड़े हैं, जल्दी माउंटेन्स पे वापस आओ वरना पनिशमेंट मिलेगी। और मिमी तुम कहीं यहाँ पे रहने के लिए माउंटेन्स पे अपनी हेड की पोजीशन भी छोड़ दोगी, और तो और तुमने लव थ्रेड भी चुराया। मिमी कहती है, मास्टर मुझे पता मैंने गलती की है, पर मैं अपने डैडी के साथ रहना चाहती हूँ। मास्टर पूछते हैं, शैंक्षी तुम्हारा क्या? शैंक्षी कहती है, मैंने भी गलती की है, पर मैं माउंटेन्स पे वापस नहीं जाना चाहती। मिस्टर फैंग उसे देखने लग गया था तो उसे देख कहती है, क्योंकि यहाँ पे रह के मुझे इमोशंस फील होते हैं, मैं यही रहना चाहती हूँ, मुझे ऑलरेडी मिस्टर फैंग से प्यार हो गया है। मिस्टर फैंग कहता है, मैं भी तुम्हें लव करता हूँ। मास्टर कहता है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, क्या तुम श्योर हो? वो कहती है, हाँ मैं श्योर हूँ। मिस्टर फैंग कहता है, आप इन दोनों को पनिश नहीं कर सकते, अगर कुछ करना है तो मुझे करिए। मिमी कहती है, मास्टर मेरी गलती है, प्लीज मुझे पनिश करो। मास्टर कहता है, तुम लोग तो सच में खुद को फैमिली समझ रहे हो, तुम वापस माउंटेन्स पे नहीं आओगे तो मैं आ जाऊंगा। पर मिमी अपनी पावर से उन्हें भगा देती है। शैंक्षी कहती, वाह मिमी ने तो कमाल ही कर दिया। तभी वहां पर मास्टर जाते हैं और मिमी से कहते हैं, तुम्हारी पावर्स तो मुझसे भी ज्यादा बढ़ गई हैं, और मैं बेवकूफ नहीं हूँ, तुम तीनों को अलग करूंगा, मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इतने सालों से अलग रहे हो, अकेले रहे हो, आखिर तुम लोगों को भी फैमिली चुनने का हक है। शैंक्षी कहती, मास्टर क्या आप सच में सीरियस हो? मास्टर कहते हैं, हाँ, और उन दोनों को पावर्स देते हैं जिससे वो हमेशा के लिए माउंटेन्स के नीचे भी सर्वाइव कर पाएंगी। तो वो दोनों खुश होकर मास्टर का थैंक यू करते हैं। मास्टर कहते हैं, हाँ कभी कभी माउंटेन्स पे भी आ जाया करना, और गायब हो जाते हैं। फिर क्या, वो तीनों बहुत खुश थे और एक फैमिली की तरह साथ में रहने लगते हैं। और इसी के साथ इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करते जाना। तो बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे न्यू स्टोरी में।